हेलो गाइस, वेलकम टू इनके ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन का। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका लिया गया है फ्रॉम द बुक एंडी भट्ट। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है। अ फिक्स्ड पॉइंट इज 75 mm फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो टर्म है ना, ये किसको डिनोट कर रहा है। तो आपको जो दिया है यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है आपका फोकस, इसको हम लोग बोलेंगे। ये अपना पॉइंट जो होगा अपनी, ये फोकस हो जाएगा, ओके। और आपको जो लिखा हुआ है, अब फिक्स पॉइंट इज 75 mm फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन हम किसको बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स को बोलते हैं, ठीक है। ये अपना क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ओके। तो ये जो है मुझे दिया हुआ है फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट अपने को जो है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का जो पॉइंट होगा दैट इज, है ना, कितना दूरी होगा बताओ, 75 mm की दूरी पे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है आगे, ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट पी मूविंग सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज, नंबर वन, ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, एंड नंबर टू, इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, नेम द कर्व्स। आपको यहाँ पे दो दिया हुआ है, दो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दिए हुए हैं, दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स अपना बनने वाला है। तो पहला कौन सा बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, लेट अस डिस्कस, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट पी। देखो पी आपको जो पॉइंट बोल रहा है लोकस ड्रॉ करने का, वो बेसिकली ये पॉइंट पी कौन सा होगा, जो वर्टेक्स पे होगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो कर्व पास करता है जनरल मेथड अपन जब बनाते हैं, देखो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, आपको फोकस दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है, उनके बीच अगर डिस्टेंस अगर बोला 75 mm है, तो हमको यहाँ पे जो भी ड्रॉ करना पड़ेगा बाई द हेल्प ऑफ जनरल मेथड से उसको अपन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो जनरल मेथड में आपको जो कर्व पास होता है वो ना तो डायरेक्ट्रिक्स से पास होता है, ना आपका फोकस से पास होता है, वो आपका पास होगा, आपका वर्टेक्स से पास होगा। तो ये पॉइंट पी जो है ना, ये पॉइंट पी जो है आपका क्या है, बेसिकली वर्टेक्स है, ओके। ये अपना क्या है, वर्टेक्स है। तो यहाँ पे बोल रहा है वर्टेक्स, है ना, ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट पी मूविंग सच वे दैट इट्स डिस्टेंस, ठीक है, ये वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ओके। मतलब वी, और ये स्ट्रेट लाइन अपने को कौन सा वाला पॉइंट मिलता है, वी सी, ओके। ये कौन सा है, वी सी का जो डिस्टेंस है, एक्चुअली ये डिस्टेंस जो बोल रहा है वो वी सी का है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ठीक है। मतलब वी का सी से डिस्टेंस दैट इज ट्वाइस, ओके, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। मतलब यहाँ पर अगर बात बोलोगे, अपना जो इसेंट्रिसिटी होता है पहले वाला केस के लिए, तो ये अपने क्या होता है, वी सी नहीं, वी एफ अपॉन में वी सी होता है, ओके। तो वी एफ अपॉन वी सी, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको कंडीशन, जो क्या दिया है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो वर्टेक्स का जो, मतलब जो पॉइंट है ना, उसका स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है, ठीक है, कितना वो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू द फिक्स्ड पॉइंट। मतलब ये है कि ये अपना ट्वाइस होगा इससे, तो अगर ये वन है तो ये अपने क्या होगा, ये टू हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने क्या, इसेंट्रिसिटी क्या मिलती है, 1/2 मिलेगा। तो यहाँ से मुझे क्या बनेगा, यहाँ पे एक एलिप्स यहाँ पे फॉर्म होगा, ओके। तो जो पहला कंडीशन आपको दिया हुआ है उसमें आपको क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, बिकॉज इसमें क्लियरली आपको दिया हुआ जो वर्टेक्स होगा वो स्ट्रेट लाइन से ट्वाइस डिस्टेंस पे है एज कम्पेयर टू द फिक्स पॉइंट। वर्टेक्स जो है वो फिक्स जो आपको दिया है फोकस से, वो क्या है अपना वन होगा, और ये जो है डिस्टेंस का क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। और देखो सेकंड कंडीशन में क्या दिया, यहाँ पे इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो वर्टेक्स का डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से, फिक्स स्ट्रेट लाइन से जितना डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। तो मतलब यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या होगा, वी एफ और वी सी क्या है, इक्वल होंगी, तो आपस में कैंसिल होने पर अपने इसेंट्रिसिटी कितना मिलेगा, यहाँ पे वन मिलेगा। तो यहाँ से मुझे क्या बनेगा, यहाँ पे एक पैराबोला ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों कंडीशन मालूम पड़ चुका है। तो नेम द कर्व में पहला आपको कब बनेगा, एलिप्स, एंड सेकंड आपको क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। आपको जो सॉल्यूशन में गिवन है, ठीक है, पहला केस में क्या बनेगा, कर्व इज एलिप्स, ठीक है। गिवन बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन आपको दिया है सी एफ की डिस्टेंस दैट इज 75 mm, ओके, और इसेंट्रिसिटी आपको यहाँ पे जो दिया दैट इज 1/2, ओके। तो इन दोनों के हेल्प से मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे एक एलिप्स को ड्रॉ करना बाय द हेल्प ऑफ जनरल मेथड। तो यहाँ पे अपन जो मेथड यूज करेंगे भाई, है ना, बाय जनरल मेथड, ओके। तो जनरल मेथड में क्या होता है, देखो
मैंने ऑलरेडी सब बता चुका है, लेकिन फिर से आपको एक थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ। मान लो यहाँ मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, लेट्स सपोज दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, मिड में एक पॉइंट पकड़ लो सी। यहाँ से करना क्या होगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, लंबा ड्रॉ कर लो बिकॉज यहाँ पे अपने क्या बनेगा, एक एलिप्स बनने वाला है। ओके ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सी से एफ के डिस्टेंस, तो सी अगर ये है तो एफ का मान लो यहाँ पर एफ है, ठीक है, दिस डिस्टेंस लेट सपोज 75 mm। ओके अब हमको करना क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख लो उसको एफ लिख लो फोकस, ठीक है। अब सिंस सी से एफ आपको यहाँ पे 75 दिया हुआ है और इसेंट्रिसिटी देखो वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 1/2 दिया हुआ है, तो हमको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ जोड़ दो आपस में, 1 + 2 दैट इज़ 3। और 3 का क्या मतलब बताओ, तो मतलब सी से एफ को जो डिस्टेंस आपको दिया उसको अपने को 3/5 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3, छोटा सा अपने हिसाब से आर काट के यहाँ पर रखे 1, फिर यहाँ पर रखे 2, यहाँ पर रखे 3, ऐसा इसको ऐसा अपने इसको कट कर देंगे। क्या करना है, इसको फोकस जोड़ने पर ड्राफ्टर को लाना, लूज़ करना, यहाँ पर रखना, ठीक है, और फिर पीछे और यहाँ पीछे दोनों पे यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे इसको आगे खींच के इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलाना है, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया बताओ, तो पैरेलल लाइन को ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पे आपका जो दिया हुआ इसेंट्रिसिटी दैट इज 1/2, तो 1 मतलब ये वाला भाग आपका 1 हो जाएगा और ये वाला भाग क्या होगा आपका, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, वर्टेक्स हो जाएगा। ओके ये वाला भाग अपना 1 होगा, ये वाला भाग अपना क्या होगा, 2 होगा, बिकॉज इसेंट्रिसिटी अपना क्या होता है, VF/VC। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे राउंडर पकड़ना है, यहाँ से यहाँ तक का मेजर करना है, यहीं पर रख के उसको ऐसा घुमा देना है, घुमा दिए। अब वर्टिकली यहाँ से अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AB के पैरेलल होगा, ठीक है, देख लो यहाँ पे अपन एक लाइन ड्रॉ कर दिए, यहाँ से कट किया, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ई। ओके अब क्या करोगे, सी को ई से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर मुझे एलिप्स को यहाँ पर ड्रॉ करना है तो वी विल टेक आर्क। आपको यहाँ पे आर्क कब तक, देखो यहाँ पे वी पे रख करके आगे जो अपन आर्क यहाँ पे कट करेंगे और वो जो डिस्टेंस होगा आर्क आपस में दैट शुड बी अराउंड 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो यहाँ पे जो आर्क काटोगे वो ज़्यादा आर्क नहीं कटेंगे, है ना। लेट्स सपोज अगर आप 1 सेंटीमीटर के अगर 10 आर्क काट कट कर रहे हो, ठीक है, तो वो कितना कवर करेगा आपका डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर कवर करेगा। लेकिन वही अगर आप 1.5 सेंटीमीटर के आर्क से अगर यहाँ पे कट करोगे तो वही उतने डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे यहाँ पे छोटे कम आर्क लगेगा यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर का राउंड का एक आर्क अपन यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे रखे 1, ठीक है, यहाँ पे रखे 2, इसको यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे रखे 5, यहाँ पे रखे मान लो 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी या फिर वी ई के पैरल हों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, ऊपर भी खींचना नीचे भी खींचना है, और ये अपन जो खींचेंगे ना ऊपर और नीचे दैट शुड बी वेरी लाइट एक्चुअली। ओके तो देखो ये भी अपना हो गया, फिर यहाँ पे आ करके ऐसे इसको कट कर लो, फिर यहाँ पे आ करके यहाँ भी आपको करना है, फिर यहाँ पे आ जाओ ऊपर और नीचे, ठीक, यहाँ भी ऊपर नीचे आपको ऐसे कट करना है, इसको आपस में जोड़ते जाओ, ठीक है। देखो ये अब आपको जुड़ जाएगा, ठीक है, ये अपना जुड़ गया। ओके अब नेमिंग करेंगे अपन यहाँ पे, तो लेट्स सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 1 डैश, दिस इज 2, दिस इज 2 डैश, दिस इज 3, दिस इज 3 डैश, दिस इज 4, दिस इज 4 डैश, दिस इज 5, दिस इज 5 डैश, दिस इज 6, लेट्स सपोज दिस इज 6 डैश। ओके अब देखो मुझे करना है क्या यहाँ पे, ओके देखो अगर मैं यहाँ पे इलिप्स ख़त्म नहीं हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे और आगे लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो 1 से 1 डैश की लेंथ को मेजर कर लो फोकस पक्के, ठीक है, लेंथ को अपन जब मेजर करेंगे वो यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे दैट इज 1 to 1 डैश। लेकिन अपन जब आर्क कहाँ पर कट करेंगे तो हम कहाँ पर करेंगे, फोकाई फोकस पर के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 1 डैश की लेंथ को मेजर कर ली, फोकस पर के ऊपर काटे और यहाँ पे नीचे में काट दिए, इफ दिस इज P1 दिस इज P1 डैश। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से लेके 2 डैश तक लेंथ को मेजर कर लेंगे, फोकस पर रखेंगे, ऊपर काटेंगे और यहाँ पे नीचे में काटेंगे, फिर 3 से 3 डैश मेजर कर लो, फोकस पर के यहाँ काटो, फिर यहाँ तक यहाँ काटो, फिर 4 से 4 डैश ले लो, फोकाई पे रखो, इसको यहाँ काटो, इसको यहाँ काटो, फिर 5 से 5 डैश तक लेंथ को मेजर कर लो, फोकस पर यहाँ काटो, फिर यहाँ पे काटो, ठीक है। ओके तो यहाँ पे जब देखोगे ना आपके यहाँ पे
क्या होगा, वर्टेक्स से पास होते हुए क्या होगा, एक देखो यहाँ पर अगर सिक्स सिक्स डैश लोगे ना, यहाँ पर जब काटोगे तो यहाँ पे ये नहीं कटेगा, तो मतलब क्या है अपना आखिरी आर्क जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, यहीं कहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, जब एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आराम से उसको मिलाते हुए अपन यहाँ पे एक प्यारा सा एक एलिप्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ओके देखो उसको इस टाइप से मिलाते हुए, कुछ इस टाइप से जो आपको यहाँ पे एलिप्स मिल जाएगा। अगर आप पेंसिल का पूछेंगे यूज़ कैसे करना है, तो ये जो वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, ये आर्क, ये लाइन, ये सब बनेगा आपको 2H पेंसिल से। ये जो मैं यहाँ पे डिवाइड किया था CF को, ये अपना बनेगा 4H पेंसिल से। वर्टिकल लाइन अपन बनाएंगे 4H पेंसिल से, और फाइनली अपना जो ये एलिप्स ड्रॉ होगा दैट विल बाई HB पेंसिल। तो अपना ये पहला जो क्वेश्चन था ना, पहला वाला पार्ट अपना कवर हो चुका है। नाउ वेलकम टू द सेकंड पार्ट विच इज़ एंड विच इज़ अ पैराबोला बेसिकली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है ये सेंटर से, उसकी देखो वैल्यू कितनी अपने यहाँ पे दी हुई है, 1 दी हुई है। तो यहाँ पे सेकंड वाला केस में आ जाओ, अब मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, सेकंड वाला केस, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व इज पैराबोला, ओके। और यहाँ पे आपको अगेन जो आपको गिवन दिया हुआ है दैट इज CF की डिस्टेंस दैट इज 75 mm, ओके। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वही वही सब रिपीट करेंगे। जैसे कि पहले अपन यहाँ क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, लेट्स सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके। यहाँ पे आपको इसेंट्रिसिटी दिखाना पड़ेगा ना, इसेंट्रिसिटी वैल्यू कितनी है, 1/2 दी हुई है। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी लिख दो दैट इज़ 1। सेंटर पॉइंट पकड़ो, यहाँ पे लिखो सी, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल मार्क कर लो, ओके। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे आकर के एफ की डिस्टेंस आपको दिए दैट इज 75 mm, है ना। यहाँ पे आके इसको मार्क कर लो, लेट्स सपोज दिस इज एफ, ओके। फिर करना क्या आपने, कहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसेंट्रिसिटी वैल्यू दैट इज 1, क्योंकि आपने क्या पैराबोला दिया हुआ है। तो हमको करना क्या होगा, इसका मिड पॉइंट निकालना बस, ठीक है। और मिड पॉइंट पे क्या होगा, अपना ये वर्टेक्स होगा जहाँ से अपना ये कर्व पास होने वाला है, फाइन। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक राउंड में मेजर कर लो और यहीं पर रख के, ठीक है, उसका सर ऊपर ऐसे घुमा दो। फिर यहाँ से अपन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ पैरेलल टू AB, ठीक है। और यहाँ पे ये कट करेगा, दिस पॉइंट इज E। फिर क्या करना, इसको यहाँ से रखकर के यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन का सर ड्रॉ कर दो, ड्रॉ हो गया। ये अपन अभी तक जितना काम किया सब 2H पेंसिल से रहेगा। अब अपन क्या करेंगे, 4H पेंसिल स्टार्ट करेंगे, ओके। और 1.2 सेंटीमीटर के आसपास का या 1 सेंटीमीटर के आसपास का अपन आर्क लेकर के यहाँ पे कट करेंगे। तो पैराबोला वाला केस में आपको बता चुका हूँ, चार आर्क से ही कट करना, आप चार आर्क ही कट करना है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा आर्क मत कट करना, ठीक है। तो यहाँ पर के 1 हो गया, यहाँ पर के 2 हो गया, यहाँ पर के 3 हो गया, यहाँ पर के 4 हो गया। नेमिंग कर लो, 1, 2, 3 एंड लेट्स सपोज दिस इज 4। तो यहाँ पर के वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो ऊपर और नीचे। तो ये अपना हो गया पहला, 2 पे आ जाओ, यहाँ पर रख के यहाँ पे 3 आ जाओ, फिर यहाँ पर रख करके 4 के लिए अपन यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद देखो हमको करना है कि यहाँ पे इफ दिस इज 1 तो दिस इज 1 डैश, इफ दिस इज 2 दिस इज 2 डैश, इफ दिस इज 3 देन दिस इज 3 डैश, इफ दिस इज 4 देन दिस इज 4 डैश, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 से 1 डैश तक लेंथ को मेजर करेंगे, फोकस रखेंगे ऊपर और यहाँ पे नीचे में इसको कट करेंगे। इफ दिस इज P1 दिस इज P1 डैश। वैसे हम क्या करेंगे, 2 से 2 डैश की लेंथ को मेजर कर लेंगे, फोकस पे रखेंगे, यहाँ पे देंगे इसको P2 और यहाँ पर काटे उसको नाम दो आप P2 डैश। फिर यहाँ पे 3 से 3 डैश तक की लेंथ को मेजर कर लो, फोकस पे यहाँ काटो, यहाँ पर यहाँ काटो, दिस इज P3 एंड दिस P3 डैश। वैसे यहाँ से यहाँ तक रख के मेजर कर लो, फोकस पर यहाँ काटो, दिस इज P4, यहाँ पर काटो, दिस इज P4 डैश। अब क्या करना है आपको, आर्क जो यहाँ पे जो वो मतलब वर्टेक्स से पास करता हुआ इन आर्क से मिलाते हुए आपको यहाँ पे एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है पहले, ठीक है। और जैसे ही बन जाता है तो क्या करना है, आप उसको HB पेंसिल से एक बार अच्छे से डार्क करके उसको घुमा देना, बस एक ही बार घुमाना है, ठीक है। वैसे यहाँ भी आपको जो है इस टाइप से ये आपका बन जाएगा एक आर्क,
ठीक है, ध्यान रखना आपको ये है कि ये जो वर्टिकल है मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया दैट इज़ बाई फोरेज पेंसिल, और ये जो अपना पैराबोला ड्रॉ होगा जो दैट विल बी बाई एच बी पेंसिल जो कि सबसे डार्क होना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।